हेलो दोस्तों, अभी अभी मौसम विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश को लेकर एक रेड अलर्ट हाई अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के इन जिलों में आज भारी मौसम में बदलाव और कई जगहों पर बारिश और कई जगहों पर भारी ठंड का प्रकोप रहेगा। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना एक एक करके। दोस्तों मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों की मौसम की जानकारी जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। वही दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके कि आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं, यानी कि आप मध्य प्रदेश में कहां पर रहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला थोड़ा खत्म होने के साथ ही ठंड बढ़ गई है। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश को शीतलहर लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की संभावना जताई कि मध्य प्रदेश के 5 जिलों में शीतलहर का असर देखने को मिलेगा। और दोस्तों वो जो है 5 जिले ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और छतरपुर जिले हैं, और यहां पर भारी से भारी शीतलहर चलेगी। और मौसम विभाग द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया कि भोपाल, इंदौर, शाजापुर, ग्वालियर, दतिया में घना कोहरा रहेगा। और मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा। दतिया, ग्वालियर, नौगांव में शीतलहर का प्रभाव दिखा, वहीं जबकि भोपाल और बैतूल में घने कोहरे के तेवर दिखाई दिए। पिछले 24 घंटों के दौरान भी जबलपुर, होशंगाबाद और कई संभागों के जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। शहडोल, इंदौर संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान गिरा है। सबसे कम न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस ग्वालियर, दतिया, नौगांव में दर्ज किया गया। और जो है मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगले 24-48 घंटों के दौरान भारी से भारी हमें ठंड देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश में रहते तो आप कौन से जिले में रहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताना। और मैं आपको बता दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो है कई जगहों पर जो है जम्मू कश्मीर में बना पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से दोस्तों जो है कई जगहों पर जो इसका असर देखने को मिल रहा है। और भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, सागर संभाग में तेज बारिश हो रही थी, जबकि ग्वालियर संभाग में बूंदाबूंदी हुई थी। और गए दिनों में जो है बारिश की वजह से काफी ज्यादा कोहरा आप देखने को मिल रहा है। और अगले 48 घंटों के दौरान हाड़ कांपने वाली और कड़कड़ाने वाली जो है ठंड देखने को हमें मिलने वाली है मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में। दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश में रहते तो आपके यहाँ पर कैसा मौसम था, कमेंट करके जरूर बताना। और मौसम वैज्ञानिकों की मान्य तो दोस्तों जो है कई जगहों पर भारी से भारी ठंड देखने को मिलेगी और कई जगहों पर बरसात होगी। बताते चले कि आपको मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद, सागर, विदिशा, ग्वालियर और मुरैना संभागों में कई हल्की बारिश और कहीं पर जो है श्योपुर, कल्याण और निमच में शीतलहर चलेगी। और मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद ठंड आने की संभावना है। इसके कारण मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी से भारी ठंड रहेगी। पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में शीतलहर जारी। और आपको बता दोस्तों, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा। और दो सिस्टम एक्टिव होने के चलते एक बार फिर से मध्य प्रदेश का मौसम बदलने वाला है। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटों के दौरान जबलपुर, सागर, भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद और साथ में जो है कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल और इंदौर में भी जो है ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है और आधा दर्जन जिलों में घना कोहरा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो वर्तमान में पश्चिमी अफगानिस्तान और अरब सागर में 2 सिस्टम एक्टिव है, उनके होते चलते दोस्तों मध्य प्रदेश में नमी आ रही है। और वहीं एक द्रोणिका लाइन कर्नाटक से लेकर मध्य महाराष्ट्र पर बनी हुई है। इसकी वजह से दोस्तों भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर, सागर संभाग में कई जगहों पर अच्छी बारिश होने के अनुमान है और अभी भी कई जगहों पर बारिश हो रही है। दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश में रहते तो आपके यहाँ पर मौसम कैसा, कमेंट करके जरूर बताना। इंदौर, होशंगाबाद, ग्वालियर, भोपाल और उज्जैन संभल संभागों के लिए और साथ में कई जिलों जैसे कि रायसेन, सीहोर, सिवनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, उमरिया, शहडोल और मध्यम से घना कोहरा रहेगा। ग्वालियर, चंबल, रीवा, उज्जैन, सागर संभागों के जिलों में और भोपाल और राजगढ़ जिलों में इन जगहों पर घना कोहरा देखने को मिलेगा। और अगले 24-48 घंटों के दौरान कई जगहों पर भारी से भारी ठंड रहेगी। और दोस्तों आपको बता दूं, इंदौर में काफी ज्यादा जगहों पर मौसम बदलेगा, कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। और मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जो अगले 24-48 घंटों के दौरान भारी मौसम में बदलाव हमें देखने को मिलेगा। और भारतीय मौसम विभाग की माने तो 37 जिलों में हो सकती है बारिश, ओलावृष्टि काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है मध्य प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, कोहरा पड़ रहा है। और मौसम विभाग की माने तो अरब सागर से आ रही नमी के कारण मध्य प्रदेश में छाए बादल से बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि और घना कोहरे की भी संभावना है। और आने वाले 48 घंटों में मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है, साथ ही कुछ जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना काफी ज्यादा अधिक बताई जा रही है। हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो है कई जगहों पर कुछ जगहों के दौरान जो है कई जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 48 घंटों में मध्य प्रदेश के जिन जिलों में बारिश होने की संभावना है उनमें दोस्तों इंदौर संभाग के बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन संभाग के उज्जैन, देवास, आगरा, मालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, होशंगाबाद संभाग के होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ग्वालियर संभाग के अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, चंबल और साथ में दोस्तों संभाग के जो है कई जगहों पर श्योपुर, मुरैना, भिंड के साथ साथ रायसेन, सीहोर, सिवनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोहा, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, उमरिया और शहडोल जिले शामिल है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है, जिनमें भोपाल, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, सीहोर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, ओले गिरने की संभावना है। और मौसम विभाग की माने तो घना कोहरा भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में घना कोहरा छाया रह सकता है, जिसमें दोस्तों अशोकनगर, गुना,
और साथ में दोस्तों ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और श्योपुर, मुरैना, भिंड, उज्जैन, देवास, आगरा, मालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, निवाड़ी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, भोपाल और राजगढ़ जिले में मध्यम से घना कोहरा देखने को मिल सकता है। वही दोस्तों अगर बीते 24 घंटों में मध्य प्रदेश के उज्जैन, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर भारी बारिश दर्ज की गई। अन्य संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहा और बीते 24 घंटों में रीवा और छतरपुर, सागर, दमोह, ग्वालियर, गुना, भोपाल, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन जिलों में मध्यम से घना कोहरा रहा और मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रीवा में रिकॉर्ड किया गया, यानी कि रीवा में भारी भारी ठंड देखने को मिली। वही दोस्तों मौसम विभाग की माने तो इंदौर के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई जिलों में जो है अगले 24 से 48 घंटों में काफी अच्छा मौसम रहेगा। कई जगहों पर ठंडा और कई जगहों पर काफी ज्यादा जो है बारिश के जैसे हालात रहने के अनुमान जताए जा रहे हैं। और आपको दोस्तों बता दूं कि पिछले एक सप्ताह के दौरान कई जगहों पर जो है लोग जो है धूप से काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन अब बारिश होने की वजह से कई जगहों पर मौसम बदला है और अगले 24 घंटों में इंदौर, धार, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बैतूल, हरदा जिलों में बारिश होगी और इसके अलावा राजधानी भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, सागर संभाग के जिलों में रीवा, सतना, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरा जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं दोस्तों रात के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। लगभग मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मौसम बदलेगा और खास करके दोस्तों जो ग्वालियर, राजगढ़, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, आगरा, शाजापुर, मंदसौर, नीमच कहीं कहीं पर भारी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं ग्वालियर, राजगढ़, आगरा, नीमच, मंदसौर में बिजली गिरने की भी आशंका है। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश के लगभग 2 से 3 दर्जन जिलों में जो है भारी ठंड का प्रकोप हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिल सकता है। बात करें दोस्तों एक एक जिले की तो उज्जैन में काफी अच्छा मौसम रहने वाला अगले 24 से 48 घंटों के दौरान और उज्जैन में 21 के करीब तापमान रिकॉर्ड और 4 दिन तक भारी बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। वही दोस्तों आपको बता दूं भोपाल में अभी भी बारिश हो रही है। अगर आप भोपाल में रहते हो सच बताना आपके यहाँ पर बारिश हो रही है नहीं। खंडवा की बात करें दोस्तों खंडवा में कोई बारिश नहीं, 2 दिन तक भारी बादल छाए रहेंगे। और दोस्तों देवास में बात करें तो देवास में भी बादल छाए, कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश हो रही है तो कुछ जगहों पर भारी मौसम में बदलाव जो है देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों आपको बता दूं भारतीय मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में अगले एक सप्ताह के दौरान जो है काफी अच्छा मौसम रहेगा और भारतीय मौसम विभाग की माने तो अगले एक सप्ताह तक जो है भारतीय मौसम विभाग की माने तो जो है 24 घंटों से अगले 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में एक बार फिर से की बारिश होगी। खरगोन, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, मंदसौर, धार, रतलाम और आसपास के जिले में प्रभावित होंगे। उसके बाद पूरे सप्ताह मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना और जबलपुर, मांडला, बालाघाट समेत पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और मस्त रहेगा। और इस समय मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान काफी सामान्य से ऊपर चल रहा है, यानी कि काफी अच्छा मौसम देखने को मिल रहा है। और मध्य प्रदेश के लिए आपको बता दोस्तों जो है कई जगहों पर अगले 24 से 48 घंटों में राजगढ़ में भी जो है बारिश हो रही है, अभी अगले 24 घंटों में बारिश होगी। शाजापुर में बारिश नहीं हो रही लेकिन बादल छाए हैं। सीहोर में भी बारिश नहीं लेकिन 3 दिन बादल छाए रहेंगे। रायसेन में बारिश नहीं है लेकिन बारिश की वजह से काफी ठंडा मौसम हुआ है। छिंदौड़ा में भी बारिश नहीं लेकिन 3 दिन तक भारी बादल छाए रहेंगे। भोपाल में भी दोस्तों बारिश छिटपुट हो रही है कई कई जगहों पर लेकिन बादल काफी ज्यादा छाए हैं। कटनी में भी 2 दिन के दौरान भारी बादल छाए रहेंगे। मंदसौर में भी बारिश हो रही है, अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने वाली मंदसौर में। और वहीं दोस्तों बात करें ग्वालियर की तो ग्वालियर में भी 2 दिन बादल छाए रहेंगे, उसके बाद 23 और 21 के बीच तापमान रहेगा। भिंड में भी दोस्तों बारिश जो है नहीं देखने को मिल रही लेकिन काफी ज्यादा बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। और छतरपुर में भी दोस्तों जो है काफी ज्यादा जो है बादल छाए हैं लेकिन 2 दिन के दौरान भारी से भारी बादलों में आवाजाही देखने को मिलेगी। आपको बता दोस्तों मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन के बाद जो है ठंड आने की काफी ज्यादा और संभावना, यानी कि बारिश के बाद भारी ठंड भी देखने को मिल सकता है। तो यह था मौसम आज का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।